तो राम राम मेरे सारे भाइयों ने। राम मंदिर तो सभी को दिखाई देता है, लेकिन राम मंदिर के पीछे की जो कहानी है वो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है। आज की इस वाली वीडियो में मैं राम मंदिर के पीछे की सारी स्टोरी जो भी है आज इस वाली वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सन 1928 से। मुगल के जो बादशाह थे उन्होंने क्या देखा कि अयोध्या के अंदर जो हमारा पुराना मंदिर होता था उसको तोड़ करके इन्होंने एक बाबरी मस्जिद बनवा दी। उन्हीं मुगलों ने जिन्होंने आज भारत को दो हिस्सों में कहीं ना कहीं बांट रखा है। मुगलों ने हमारे देश को नोचने खाने के लिए क्या नहीं किया। उन्हीं कहानी में से एक अयोध्या वाली भी कहानी आती है कि राम मंदिर को तोड़ करके मुगलों ने वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनाई थी, जिसका फैसला तब से ये जो जंग है वो अभी तक चल रही थी। सन 2019 में आकर के कोर्ट से फैसला सुनाया जाता है। सन 1928 से लेकर के अब तक के सन 2019 तक ये मामला पेंडिंग में ही रहा। हर हिंदू अपनी उम्मीद लगाता था कि अब राम मंदिर बनेगा, अब राम मंदिर बनेगा, पर राम मंदिर कभी नहीं बना। धीरे धीरे टाइम आता है 2015 का, जब बीजेपी की सरकार बनती है, सबके सामने इस बात को रखा जाता है कि हम राम मंदिर को बनवाएंगे। बीजेपी के नेता यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि मैं राम मंदिर को बनवाऊंगा, और जनता इसी चीज को लेकर के उनको हर बार प्राइम मिनिस्टर बनना देती थी। और हुआ भी वैसा ही। 2019 में जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, सबके दिलों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी हो गई कि अब राम मंदिर के ऊपर फैसला आ गया। राम मंदिर का फैसला ये था कि जब ये राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था तो उसमें 5 जज शामिल थे। तो ये फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट से ये जब फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने इस फैसले को स्वीकार किया था। 9 नवंबर 2019 को ये फैसला सुनाया गया, और जो फैसले सुनाने वाले जज थे उनके नाम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 CJI राजन गवोई, नंबर 2 फॉर्मर CJI SA बॉर्ड, और नंबर 3 करेंट CJI DY चंद्रचूड, और नंबर 4th फॉर्मर जज अशोक भूषण, और नंबर 5th S अब्दुल नजीर। जी हाँ, इन लोगों ने जो है राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाया हुआ था। और इस राम मंदिर के फैसले के साथ साथ एक और फैसला हुआ था, वो ये हुआ था कि जो बाबरी मस्जिद है उस बाबरी मस्जिद को दोबारा से बनाने के लिए उनको 5 एकड़ जमीन दी गई थी। और इस केस को जीतने वाले लॉयर का नाम है, जिसने पूरे मामले की तहकीकात की थी, जिसने पूरा मामला जज के सामने रखा, और जिस वकील ने इस पूरे मामले की कार्रवाई की थी उस वकील का नाम है एडवोकेट के प्रसारण। अब आती है फाइनल बात। ये जो फैसला था वो हो गया, राम मंदिर के हित में ये फैसला गया, ये फैसला बाबरी मस्जिद के भी हित में गया, क्योंकि उनको 5 एकड़ जमीन दे दी गई। अब बात आती है जनवरी ऑफ 22nd, इस दिन हमारे राम मंदिर का उद्घाटन होना था। कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था उस समय हर सेलिब्रिटी यानी कि हर बड़े आदमी को कार्ड गए हुए थे, सबको इनविटेशन दिया गया था, और काफी सारे सेलिब्रिटीज आए थे। जिस समय मैं न्यूज देख रहा था उस समय मैंने देखा कि मोदी जी जो है राम मंदिर का उद्घाटन तो कर रहे हैं, उसमें बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, इनफैक्ट विदेशों से भी बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। लेकिन उसमें सिर्फ कौन नहीं थे, इस राम मंदिर को बनवाने में जिसका हाथ सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो होती है जनता। अफसोस की बात है कि मुझे कोई भी गरीब आदमी उस पूरे राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं दिखा। थोड़ा सोच करके देखो, ये बीजेपी वाले राम मंदिर का मुद्दा रख करके हमसे वोट लेते हैं, बहुत अच्छी बात है राम मंदिर बन गया, क्या सारी चीजें खुद मोदी जी ने करी थी। जिन मजदूरों ने, जिन मिस्त्रियों ने उस राम मंदिर को बनाया होगा मुझे वो नहीं दिखे। जी हाँ, वहां पर अगर 10 गरीब आदमी मुझे दिख जाते और उनके साथ मोदी जी फोटो खिंचा लेते तो शायद इस देश में जो कहते हैं ना मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, वैसी चीज तो इन्होंने की ही नहीं है। छोड़िए, आप हिंदुस्तान के कई मजदूरों को नहीं आपने बुलाया, लेकिन जो राम मंदिर को बनाने में मजदूर थे कम से कम उन्हीं को ही बुला लेते, उनसे जाकर के ही उनके साथ उद्घाटन कर लेते, फुल सिक्योरिटी अपने साथ रखते, आप थोड़े बहुत 10-20 गरीब आदमियों को भी ले लेते। अरे हिंदुस्तान से नहीं लेते, कम से कम आप अयोध्या वासियों को ही ले लेते।
आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, आपने किया, राम मंदिर का उद्घाटन आपने किया, सारे सेलिब्रिटीज को आपने इनविटेशन दिया, आपने किसी गरीब आदमी को इनविटेशन दिया, आपने उस किसान को इनविटेशन दिया जो आपको वोट करके आता है, उसी के वोट से आप जीतते हो। क्या आपका हक नहीं बनता था कि 10-20 गरीब आदमियों को भी लाया जाए? मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने के लिए ही नहीं है, प्लीज इस पर काम भी करो। आपकी सरकार बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका हक होता है कि जो किसान और जो गरीब आदमी आपको वोट करता है कम से कम उसका तो साथ रखिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए और सबका साथ सबका विकास कीजिए। अभी भी गरीबी जैसी समस्याएं हल नहीं हुई हैं, कुछ लोगों के पास अभी भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको हेट नहीं करता हूँ, सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि लोग पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट पर भी ध्यान दो, जो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं प्लीज़ उन पर भी ध्यान दीजिए। आपको अगर वीडियो में ज़रा भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल और अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशनल वीडियोज इस चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।